एक किस्सा है, हमारे झुद्र में बिरमी गांव है, वहां घनश्याम जी चारण है, केंद्रीय विद्यालय में हिंदी के पीजीटी हैं, उनकी बड़ी बेटी सिलेक्ट होगी सीएलसी से, वो बालाजी का मंदिर है ना साउथ में पढ़े तिरुपति, वहां से एमबीबीएस कर रही है दिव्या चारण, छोटी वाली गुड़िया प्रतिष्ठा, वो लड़की तो सही बात है, मैं लाइव बोलो बहुत नॉर्मल बच्ची थी, ट्वेल्थ के साथ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ऐसा कोई था नहीं। एक दिन मैं मेरे घर से बाहर निकला, जो भाई ने बताया मोहन जी ने किस्सा, वो घनश्याम जी प्रतिष्ठा उसका एक छोटा भाई वो जा रहे थे, तो मैंने पीछे आवाज दे ली उनको, पहचान गए तो घनश्याम जी है यार, और वो बच्ची के दो चोटी करती थी, मैंने कहा छोरी प्रतिष्ठा ही पक्की, वो एक लड़की दो चोटी कर, मुझे पता है कौन दो चोटी कर, बच्चों से लगाव रहता है मुझे, मैंने कहा वो घनश्याम जी चाय पीते हैं, मैं घर ले गया मेरी आदत में तो मैंने चाय पिला दी। वो लड़की सिलेक्ट होके लास्ट उसका स्कोर है 665 नंबर, वो बीकानेर कॉलेज की 12वीं के साथ, उसको पूछा तेरा ऐसा क्या जादू की तेरे की चप्पी लगी छड़ी, बोले बॉस उस दिन आपने आपके घर पे चाय पिलाई थी ना, उसने मुझे लगा कि ये आदमी मेरे पापा को पीछे से पहचान गया, तो आप ये आदमी हमें कितना लाइक करते हैं कितना प्यार करते हैं, तो कुछ धर्म हमारा बनता है। उस दिन से माँ करणी से मैंने प्रार्थना करना शुरू की कि माँ करणी मेरा भी अच्छा रिजल्ट आए, और सीएलसी का भाई माफी चाहते बात छिड़ गई तो मैं कोट करना चाहता हूँ, इसलिए हर एक बच्चा हमारे बहुत कीमती, हर बच्चा इंपोर्टेंट, मैं स्टाफ से भी कहता हूँ कई बार कि आपके पास 10,000 बच्चा पढ़ता है आप उसको 10,000 मत मानो साहब, अपने माँ बाप के लिए वो दुनिया, जैसे कई बार लिखा होता ट्रक के पीछे कि माना दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, पर अपने परिवार के लिए आप एक दुनिया है पूरी, हमारे परिवार की दुनिया हम ही हैं,